और अररिया नगर परिषद के सभागार में भवन में प्रभारी मुख्य पार्षद और डिप्टी चेयरमैन गौतम शाह की अध्यक्षता में नगर परिषद के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बजट पेश किया गया। बजट में इस आपको बता दें कि बैठक में नगर परिषद के आगामी वर्ष के लिए 245 करोड़ और 63 लाख रुपए का जो प्रस्तावना है वो बजट में रखी गई है। साथ ही बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजे जाने का ध्वनित से पारित कर दिया गया है। बैठक में इसी के साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार और प्रभारी चेयरमैन सह डिप्टी चेयरमैन गौतम शाह मौजूद रहे। बजट जो है 2023-24 का वित्तीय बजट था, वित्त का बजट था। इसमें सारा चीज का प्रावधान हम लोग कर सरकार को भेजने के लिए ये अपना बजट में प्रोविजन किया है और इसके हिसाब से सरकार से हम राशि की मांग करेंगे और सरकार जिस मद में जितनी राशि देगी और जो हमारा आंतरिक संसाधन से जो राशि हमको उपलब्ध होगा उस पर हम लोग खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। आज बेसिकली बजट 2023-24 बजट नगर परिषद अररिया में पेश किया गया था और इसी को पारित किया गया। 245 करोड़ 63 लाख का एक बजट इसमें अनुमानित आई गई है और अनुमानित किया गया 211 करोड़ 31 लाख रुपये का है। मुख्य रूप से इसमें जो इंतजाम किया गया है बस स्टैंड के लिए इसमें 3 करोड़ रुपया दिया गया है, सामुदायिक भवन के लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया है।